अब वो यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, यूपी में तो जमानत भी जब्त हो जाएगा, भले एक बार विधानसभा का चुनाव लड़के को दिखा दे। जय फुलपुर लड़े उनकी जमानत भी नहीं बचेगी। नीतीश कुमार खुद जब बोलेंगे तब उस पर प्रतिक्रिया। अरे उन्हें मुंह गिरेंगे, उनको मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिन में आ रहा है। लोगों ने बीजेपी के पीछे छुरा भोंकने का काम किया है। आप जहां से भी चुनाव लड़े आपकी जमानत बचेगी नहीं, आपकी जमानत जब्त करेंगे। एक भी चुनाव नहीं लड़े, अब वो यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, यूपी में तो जमानत भी जब्त हो जाएगा, भले एक बार विधानसभा का चुनाव लड़के तो दिखा दे। तैयारी की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बहुत तैयारी है। आराम से। अरे उन्हें मुंह गिरेंगे, उनको मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिन में आ रहा है। भले एक भी चुनाव 17 साल में लड़ा है, एक भी एक तो विधानसभा जीत के अगर दिखा दें तो हम उनको पुरस्कार देंगे, राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में भारत सरकार ने। बिहार में इतने डर गए हैं कि अब यूपी से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको पता है कि बिहार के अंदर 2 सीट भी जितना उनके लिए मुश्किल होगा। तो उनके सहयोगियों ने उनको सुझाव दिया है या अखिलेश यादव ने उनको आमंत्रित किया है फूलपुर से लड़ने के लिए। तो चाहे फूलपुर लड़ें उनकी जमानत भी नहीं बचेगी, वो चाहे फूलपुर हो या मिर्जापुर हो। अभी तो हाल ही में आजमगढ़ का चुनाव हुआ था लोकसभा का, या रामपुर का जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, दोनों जगह समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया और बीजेपी चुनाव जीत गई। और इतना ही नहीं तो पिछले लोकसभा चुनाव में बुआ और बबुआ की जोड़ी को बहुत प्रचारित किया गया, मायावती और अखिलेश यादव। क्या हसर हुआ, बीजेपी 64 सीटें जीत गई थी और उसके पहले अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया था कांग्रेस के साथ और नारा लगा था यूपी को ये जोड़ी पसंद है। क्या हुआ उस जोड़ी का, कांग्रेस का क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? तो नीतीश जी, आप हिंदुस्तान में जहाँ से चुनाव लड़ना चाहें आप लड़िए चुनाव, बीजेपी आपको छोड़ेगी नहीं। जिन लोगों ने बीजेपी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, आप जहाँ से भी चुनाव लड़े आपकी जमानत बचेगी नहीं, आपकी जमानत जब्त कराएंगे। अचानक ये बिहार छोड़ के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है नीतीश कुमार की, बिहार से डर लग रहा होगा? डर लग रहा होगा बिहार के लोगों से। पहले वो घोषित तो करें। लगता बिहार से डर गए क्या? हम इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं, जब नीतीश कुमार खुद जब बोलेंगे तब उस पर प्रतिक्रिया देंगे।